तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं आपको दोस्त एंड होस्ट मयंक, अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, बाकी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग में लोगों की एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। इस सभा के बारे में जानकारी मिलते ही जनरल डायर ब्रिटिशर सैनिकों के साथ मिलकर वहां पहुंच गया। इसके बाद सैनिकों द्वारा बाग को घेर लिया गया और बिना कोई चेतावनी दिए वहां मौजूद निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी गई। 20 मिनट की गोलीबारी में करीब 1650 राउंड गोलियां चली। उस समय जलियांवाला बाग वहां बने मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था और वहां से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही छोटा रास्ता था। गोलीबारी होने के बाद लोग बाहर नहीं भाग पाए और वहीं बाग में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए और कुछ ही मिनटों में कुआं भी लाशों से भर गया। इसमें 379 लोगों की जान गई और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग में हुई जो घाव दिए गए थे वो आज भी इस पार्क में दिखाई देते हैं। इस पार्क में अंत में एक दीवार है जिसे अभी भी 36 गोलियों के निशान हैं। पार्क में प्रवेश द्वार के पास ही एक कुआं स्थित है जिसमें कई लोग गोलियों की आवाज़ सुनते ही डर के मारे कूद गए थे। गोलीबारी रुक जाने के बाद सैकड़ों शवों को इस कुएं से निकाला गया था। तो दोस्तों ये जो है नया जलियांवाला जो रिनोवेट हुआ है उसके बाद मैं आया हूँ और काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिनोवेट किया गया है। यहाँ तक किसी का डर नहीं, भारत नाम नहीं जो जो दिन चले 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 जो जो दिन चले
दोस्त इन्होंने ये जलियांवाला बाग इतना अच्छा बना दिया, इतना सुंदर बना दिया। हर जगह आप देखना मेरी वीडियो में, हर जगह इन्होंने स्क्रीन लगा दी, उस पर पिक्चर चल रही है और एक एक चीज़ बताई जा रही है कि उस समय क्या हुआ था। एक एक चीज़ पीछे गाने चल रहे हैं, वो कह नहीं सकता मैं, एकदम यार गुस्सा आ रहा है, मारने का मन कर रहा हूँ उस अंग्रेज को। कितना प्यारा कर दिया देखिए। और दोस्तों यही वो कुआ है जिन जो लाशों से भर गया था उस समय, सबने अपनी जान बचाने के लिए इसमें कूदते चले गए, कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं सोचा। और कि इतना गहरा है कि अंदर इसमें के देखिए, दोस्तों ये सामने गोलियों के निशान है लगे हुए, उन्होंने हाईलाइट कर रखे हैं ये गोलियों के निशान से। देखिए ये 26 गोलियों के निशान है जो मैंने काउंट किया अभी पीछे। यार इन्होंने जगह जगह जो गैलरी बनाई है, बहुत ही बढ़िया गैलरी बनाई है, उसमें वीडियोस चल रही हैं कि क्या हुआ था उस समय, क्या नहीं हुआ। Marilal Setalwar and Ahmed Khan. जिंदाबाद। तो दोस्तों यहाँ की एंट्री फीस कुछ नहीं है, जीरो है। तो अगर आप गोल्डन टेंपल या अमृतसर आते हैं तो जलियांवाला बाग जरूर विजिट करें। उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया जलियांवाला बाग, जगह जगह गैलरी जो बनी है और जो उसमें वीडियो शूट्स हो रही हैं, पिक्चर जो चल रही हैं, ऑसम मैन, ऑसम। दोस्तों बुलेट के निशान, ये सब बुलेट के निशान है। Obrigado.
जिसका चाचा अजीत सरकार अंग्रेज सरकार ने कभी भी चुनौती दे इस बच्चे का उसने खींच लिया अरे जो उसके देश उसने उसका क्रांतिकारी को उसके नाम एक ऐसा कम ऑफ खबर है सही बात है किस ऊपर कि एक बच्चा इतने मासूम भारत को आजाद कर कौन गई कौन की चाहती है भाई करेगा बल्कि उसकी शहादत का जो उसका अनुभव हर भारतीय की जुबान से है शुरू हुई थी मणि राजू उस समय मेरा जीवन का दिन अमर ज्योति राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत करता रहेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अपना कुछ जानकारी चाहिए तो वो मेरे को बताइएगा मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो मिलते हैं आपसे नई जगह नई लोकेशन पे यही था जलियांवाला बाग जिसे देख के खुशी भी हुई दुख भी हुआ थोड़ा जय हिंद